हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। सो क्लास 12 फिजिक्स में आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, अनदर लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। हम कुछ लॉ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इस चैप्टर में हम पढ़े हैं बायो सेवेट लॉ। एक लॉ हम पढ़े थे, इसका नाम कुछ ऐसा था, बायो सेवेट लॉ। दो टू साइंटिस्ट थे, बायो और सेवेट, दोनों ने मिल के एक लॉ दिया। याद हो रहा होगा, कुछ फॉर्मूला हम पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ऐसा कुछ एक तो फॉर्मूला था। बायो सेवर्ट लॉ किसके लिए था? वहाँ पे स्टेटमेंट में क्लियरली बताया गया कि बायो सेवर्ट लॉ था करंट एलिमेंट के लिए, नॉट फॉर द करंट कैरिंग होल कंडक्टर। लॉ जो था वो था करंट एलिमेंट के लिए, उसको अप्लाई करते हुए डिफरेंट टाइप्स के कंडक्टर के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा, पर लॉ था करंट एलिमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा, तो बायो सेवर्ट लॉ जो काम करता है, क्या करता है कि वो बताता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर वो बताता है, स्ट्रेंथ कितना होना है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ही बताने के लिए एक और लॉ यहाँ पे आया है, दैट इज द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। काम वही होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड किसी भी पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बताने का ही काम करेगा। ठीक है, तो इस लॉ को समझेंगे ठीक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी एप्लीकेशन हमें देखना है आगे चल के। तो सबसे पहले एक बात, एक एनालॉजी बस अपने समझने के लिए, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला को जैसे निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² ऐसा कुछ हम लिखते हैं, वो कहाँ से आता है? कूलम्स लॉ से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ से वो आता है। फिर आगे चल के फ्लक्स पढ़ने के बाद हम डिस्कस करते हैं गॉस लॉ के बारे में, q/ε0 E.ds का इंटीग्रेशन = q/ε0। ठीक है, तो यहाँ पे एनालॉजी कुछ ऐसे बनता है, बायो सेवर्ट लॉ इज एनालोगस विथ कूलम्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ इज एनालोगस विथ गॉस लॉ। ठीक है ना, जैसे वहाँ पे है हमारे पास बायो सेवर्ट, जैसे वहाँ पे कूलम्स लॉ है, वो हमें पहले मालूम होता है फील्ड के लिए, उसके बाद उसी फील्ड के लिए हम एक और लॉ पढ़ते हैं, गॉस लॉ। कंसिडर करते हुए गॉसियन सरफेस, किसी भी चार्ज अगर गिवन है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, कुछ भी चार्ज गिवन है, तो उसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हुए उसको हम समझते हैं, वही काम करेगा एम्पियर सर्किटल लॉ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि बायो सेवर्ट लॉ में भी करते हैं, पर यहाँ पे एक स्पेशल उसके लिए एक लूप कंसिडर करेंगे। जैसे गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस कंसिडर करना रहता है, यहाँ पे एक स्पेशल लूप को लेके समझना रहता है, उसको हम एम्पिरियन लूप बोलते हैं, एम्पिरियन लूप, धीरे धीरे करके आएगा। लॉ में जाए समझें इसको, ठीक है। सी दिस, यहाँ पे एक बनाया गया है, कोई सर्कल है ऐसा नेसेसरी नहीं, एक ऐसा पाथ, एक क्लोज्ड कर्व बनाया गया है, सी दिस, एक क्लोज्ड कर्व, ओपन नहीं, क्लोज्ड कर्व। अगर ये क्लोज्ड कर्व है तो यहाँ पे सी दिस, इतने रीजियन को मैं लिखा हूँ dl, इतने रीजियन को मैं लिखा हूँ dl, एक एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट वेक्टर है, डायरेक्शन है उसका, ठीक है, dl। तो होगा क्या, ये है एक करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर, और कैसा है ये, वो करंट कैरिंग वायर के अराउंड वो कर्व है, मतलब वो उस वो जो कर्व जो सरफेस को एनक्लोज किया है, एक सरफेस को वो एनक्लोज किया है, उस सरफेस के थ्रू ये करंट पास कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि परपेंडिकुलर, ऐसे भी पास कर सकता है, ऐसे भी पास कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, पर उस सरफेस के थ्रू वो करंट पास कर रहा है। किस सरफेस के थ्रू? ये जो कर्व एनक्लोज किया है जिस सरफेस को, सपोज आई अमाउंट का करंट जा रहा है। अब ये तो फैक्ट है कि वो करंट अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दैट इज द फैक्ट, वो बनाएगा ही बनाएगा।
ठीक है। तो हम इस पॉइंट पे कंसीडर करते हैं, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे, एक इस कर्व का एक लेंथ एलिमेंट dl वो होगा। हर एक पॉइंट पे वैसे एक ठो मैग्नेटिक फील्ड, एक लेंथ एलिमेंट, हर एक पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड, एक लेंथ एलिमेंट होगा। अब आते हैं लॉ पे। अगर हम ये निकालते हैं BDL, मतलब इसको हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके अराउंड उसका ये लाइन इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे लिखा है देखो, इंटीग्रेशन सिंबल दिया गया है यहाँ पे एक टू राउंड, मतलब लाइन इंटीग्रल किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। अगर ये हम निकालते हैं तो वो कितना होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, वो होगा म्यूनट टाइम्स, म्यूनट मतलब होता है परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके बारे में हम डिस्कस किए हैं बाय सेवर्ट लॉ में, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स द करंट इनटू करंट, जितना करंट फ्लो हो रहा है, ये एम्पर्स लॉ है, ठीक है। अगर ये लाइन इंटीग्रेशन हमें निकालना है तो दैट विल बी म्यू नॉट टाइम्स जो करंट वहाँ से पास कर रहा होगा। इसका प्रूफ क्या है, नहीं, गॉस लॉ में भी ये बात हम किए थे, गॉस लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता कोई प्रूफ, एक स्पेशल केस लेके उसको हम प्रूफ करते हैं, वो स्पीयर, चार स्पीयर बीच में चार्ज रखा है उस सरफेस के ऊपर, वो वाला केस लेके प्रूफ करते हैं, पर दैट इज़ नॉट द एक्चुअल प्रूफ, स्पेशल केस को लेके प्रूफ है। इसके लिए भी एक स्पेशल केस लेके प्रूफ कर सकते हैं इसको, ठीक है, पर एक्चुअली इसका प्रूफ नहीं है, इसको हमें मानना है, एक्सपेरिमेंटल है ये, ठीक है। सो दिस इज द एम्पियर्स लॉ। अच्छा, अब ये बात करते हैं, जो करंट आई है यहाँ पे एक ही वायर है, दूसरा वायर होता, चलो ये करंट आई वन होता, एक और वायर हम कंसिडर करते हैं ऐसे, और करंट इस तरफ जा रहा है आई टू, ठीक है। अब करंट कितना होगा, अब करंट टोटल बन जाएगा आई वन माइनस आई टू, डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो नेट करंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेना है, किसी एक डायरेक्शन को हम प्लस लेते हैं तो उसके ऑपोजिट को हम लेंगे माइनस में, ठीक है। तो अब इस जगह पे हम लिखेंगे I1 माइनस I2, कि कितना नेट करंट उस सरफेस के थ्रू पास कर रहा है जिस सरफेस को वो क्लोज्ड कर्व एनक्लोज किया है, तो क्या कहेंगे हम उसको, म्यू नॉट टाइम्स दैट नेट करंट विल बी द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये है एम्पियर्स लॉ, ठीक है। म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। दिस इज द एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ओके। इसका एक एप्लीकेशन हमें डिस्कस करना है, तो ये एप्लीकेशन देखते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ का, ठीक है। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए, स्ट्रेट वायर होगा इनफाइनेटली लॉन्ग मान के चलते हैं, इसके लिए किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। पहली बात, बायो सेवर्ट लॉ में हम ये फॉर्मूला निकाले थे बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय टू पाए आर, ये फॉर्मूला था। आर डिस्टेंस पे अगर वो पॉइंट है जहाँ पे कि फील्ड हमें चाहिए, सो ये फॉर्मूला हमें मिलता था, इसी फॉर्मूले को हम अभी एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो ये एक वायर है, स्ट्रेट वायर, जिसपे करंट फ्लो हो रहा है आई अमाउंट का, क्लियर। तो अगर इस पर आई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट पी लेते हैं हम इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे, आर गैप पे सेपरेशन, ठीक है। आर गैप पे एक पॉइंट लेते हैं पी, वहां पे निकालना है फील्ड, क्लियर है। तो हमें चाहिए एक एम्पिरियन लूप ताकि हम अप्लाई कर सकें एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पिरियन लूप चाहिए, क्लोज्ड लूप होना चाहिए। तो एम्पिरियन लूप क्या होता है, वो जो करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड रहता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे आर को रेडियस मानते हैं, ये वाला पॉइंट कंडक्टर के ऊपर जो है इसको सेंटर, आर को रेडियस मानो और एक सर्कल, चलो ये से वायर है उसके अराउंड एक सर्कल हम इमेजिन करते हैं, वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा एम्पिरियन लूप का, ये कंडक्टर है उसके अराउंड ऐसे एक सर्कल,
ठीक है, आर रेडियस के साथ इमेजिन करते हैं। तो यहां पे अगर बी अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट पे, तो यहां पे कितना होगा, वही बी होगा। ऐसा क्यों होगा, स्ट्रेंथ उसका, क्योंकि आर सेम डिस्टेंस पे है, ये कंडक्टर है ना, यहां पे आर, यहां पे आर, यहां पे आर, यहां पे आर, सेम डिस्टेंस पे, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट सर्कल के हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड, आई एम नॉट सेइंग अबाउट डायरेक्शन, फील्ड का मैग्नीट्यूड वो सेम होगा। बी लिए है तो बी ही होगा हर पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। हर एक पॉइंट पे अगर हम डीएल के डायरेक्शन की बात करें, हर एक पॉइंट पे इस पूरे कर्व का एक छोटा छोटा लेंथ एलिमेंट, लाइन एलिमेंट हम इमेजिन कर सकते हैं डीएल, डायरेक्शन क्या होगा, सभी का डायरेक्शन बी के साथ सेम होगा। देखो ये कंडक्टर है, ये फील्ड का डायरेक्शन, तो यहां पे अगर फील्ड ये ऊपर की तरफ नहीं है, ठीक है, करंट के साथ एक सेम मत मानना इसको, ये ऐसे है, अगर करंट ऊपर की तरफ है तो ये इस तरफ होगा, ठीक है, ऐसे, ओके। तो डीएल का भी डायरेक्शन उसी तरफ होगा, जैसे करंट एलिमेंट में हम लेते थे, इस पर करंट फ्लो हो रहा है आई, यहाँ पे एक डीएल अगर लेंगे तो डीएल का डायरेक्शन भी करंट के डायरेक्शन के साथ हम लेते थे, यहाँ पे वैसे है, ये से बी है, तो बी और डीएल का डायरेक्शन एक ही लेंगे हम, ठीक है। अगर बी और डीएल का डायरेक्शन एक ही है तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। तो बी डॉट डीएल सेम डायरेक्शन, जीरो डिग्री कॉस जीरो डिग्री वन, तो इसको हम लिख सकते हैं बी डीएल इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। अब बी देखो हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम, इस लूप के लिए मैं बोल रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे सेम, उसको हमें निकालना है। अगर सेम है तो कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हम करेंगे, दिस विल बी म्यू नॉट आई, क्लियर है। अब बी को हमें निकालना है, सॉरी ये कितना होगा, इस छोटे से एलिमेंट का टोटल लाइन इंटीग्रेशन करना है, मतलब पूरा कलेक्शन, ये सर्कमफेरेंस, छोटा सा डीएल है, अब पूरा कलेक्शन लेना है इंटीग्रेशन, तो ये पूरा सर्कमफेरेंस आएगा, कितना होगा वो, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल इक्वल टू म्यू नॉट आई, दैट इंप्लाइज बी विल बी इक्वल टू सी दिस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ओके, सेम आ गया, ये फॉर्मूला है। प्रॉपरली एम्पेरियन लूप चूज करना है, उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है, हमें आंसर मिल जाएगा, ओके। एक एप्लीकेशन हो गया स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ का। इस लॉ का दूसरा एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, वो नेक्स्ट क्लास में पूरा एक टॉपिक बनेगा, वो अबाउट द सोलेनोइड, सोलेनोइड के लिए हम पढ़ेंगे, क्या होता है सोलेनोइड, कैसे मैग्नेटिक फील्ड उस पर बनता है, वो सब हम डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो इट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसमें एनालॉजी की बात किया हूँ, गॉस लॉ के साथ इसको एनालोगस मान के चलेंगे, ठीक है। वहाँ पे गॉसियन सरफेस लेते थे, यहाँ पे एम्पेरियन लूप लेके हमें स्टडी करना रहता है, ठीक है। ये बात किस पे ध्यान देंगे, देखो करंट उस कर्व पे पास नहीं कर रहा है, ये कन्फ्यूजन रह जाता है कभी कभी स्टूडेंट्स के बीच, कर्व में करंट पास नहीं कर रहा है, वो कर्व जो एरिया को, जो सरफेस को एनक्लोज किया है, जो एरिया को, उस एरिया के थ्रू करंट जा रहा है, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, जैसे भी जाए, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको प्लस माइनस लेना है, वो अलग बात है, करंट उसके थ्रू जा रहा है, मतलब उस करंट कैरिंग वायर के अराउंड वो एक कर्व है, ठीक है, उसके लिए लाइन इंटीग्रेशन किसका, फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, दैट विल बी म्यू नॉट इनटू आई, दिस इज द एम्पीयर, एम्पीयर्स सर्किटल लॉ, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, पर इस पर भी कुछ लिमिटेशंस हैं, अभी नहीं समझेंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं समझेंगे इसको लिमिटेशंस क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में जाके डिस्कस होगा, अभी टाइम है, अभी सही मान के चलते हैं, नो लिमिटेशन अभी के लिए, ठीक है, पर अगर कुछ है तो वो बाद में जानेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में इसका और एक एप्लीकेशन हमें देखना है।